देहात के हर हिस्से में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कई राम भक्तों ने हवन पूजन किया तो कहीं मिष्ठान वितरित किए, तो कहीं पर राम भक्त ढोल नगाड़ों में चमकर थिरके। हर तरफ खुशी और त्योहार जैसा माहौल रहा। पूरा कानपुर देहात भगवान श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। भगवान श्री राम की जय घोष हर ओर सुनने को मिले। नेताओं से लेकर समाज सेवी और व्यापारियों में खुशी देखने को मिली। वही ग्रामीण इलाकों में भी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास को लेकर खुशी दिखाई दी। ग्रामीणों ने भी श्री राम के जयकारों और मिष्ठान वितरण का खुशी व्यक्त की। राम भक्तों ने श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के मौके पर कहा कि उनके मन की कामना पूरी हो गई। हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि भगवान राम के मंदिर निर्माण उनके जीवन काल में हुआ। कई वर्षों से जिसकी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। हम लोगों ने मंदिर की ढेर सारी खुशियाँ हमारे नगर पंचायत रनिया से, सारे लोग वहाँ तो जा नहीं सके लॉकडाउन को देखते हुए, यहीं पर भाईचारा से मनाते हुए अपना प्रसाद है, फल है, ये बाटे और बहुत खुशी की लहर है कि मंदिर वहाँ अब बन जाएगा। यही मेरी इच्छा थी। जय जय श्री राम। आप लोगों ने क्या मनाया, क्यों मनाया? भाई आज वर्षों से जो हम लोग प्रतीक्षारत थे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे राम मंदिर के लिए, वहाँ पर आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो हम लोग उस शिलान्यास की खुशी में अभिभूत होकर के हम लोगों ने आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर्ष उल्लास जो हम लोग वहाँ जा कर के नहीं जाहिर कर पाए वो यहाँ पर हम लोगों ने जाहिर करने का प्रयास किया है। जब कार सेवा के माध्यम से हम लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी और माननीय मुलायम सिंह जी ने गोलियाँ भी चलवाई थी राम भक्तों पे, तब से हम लोग इस मुद्दे को लेके लालायित थे। आज वो शुभ दिन शुभ घड़ी 500 साल बाद आ पाई है कि रामलला अपने विराजमान हो रहे हैं। इस खुशी में हम लोगों ने यहाँ पे आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लड्डू बांटे, दिया जलाए। भगवान